नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। मौर्य ने कहा है, कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाना चाहिए या इस पुस्तक को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। और आपको याद होगा कि 10 दिन पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी धर्म ग्रंथ के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। तब उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म पुस्तक बताया था। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरुआत करेंगे। रामायण में घोर लगवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अत्याचारी आज भी वो शूद्र प्रयोग करते हैं। जय बाराज हम तेल तुम्हारा सुभद्रा कोल कर, यानी जात लेकर के अपमानित करते हैं। या धर्म, ये धर्म धार्मिक प्रसंग हो सकती है? जाति के नाम पर किसी को गाली देना, किसी को अपमानित करना, किसी को अपमानित करना, किसी को अमानवीय व्यवहार करना, क्या वो धार्मिक पुस्तक हो सकती है क्या? इसमें बैंड करना चाहिए। मनुष्य ने हमें लिखा है, तू धन तुकार दर्शन शीतम अपीतम दासयु बनूंगा ब्राह्मण दुष्कर्म हुआ, क्या यही व्यवस्था है? शंभु कैसे हो गया? शब्द के पैदा होने का तौर तरीका एक है, तो शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, और एक वर्ग को लिख जाती है तो शंभु है। इनकी सबको सेवा लेने का अधिकार है, क्या यह व्यवस्था हो सकती है क्या? आज भी इसी श्री गरी मानसिकता के लोग भारतीय संविधान पर कभी कभी उंगली उठाया करते हैं। तुलसीदास तो सुना आपने कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बखान किया है, और हाल ही में जो बयान दिया है वो एक निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दिया है, जिसमें उन्होंने रामायण की चौपाइयों का उल्लेख किया और उसके बाद ये बताया कि दरअसल तुलसीदास जी ने खुद की खुशी के लिए, आत्ममुग्ध के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। कहां से आते हैं ऐसे बयान और कहां से आते हैं ऐसे बयान वीर, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी एक बयान वीर बिहार से श्री रामचरितमानस को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था उस पर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उन्होंने ये बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तक को बैन करने की बात कही जा रही है। अल्प ज्ञान लाकर ये नेता देश को गलत मैसेज, गलत संदेश देने का क्यों काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। भाषा को समझते नहीं है, अर्थ को समझते नहीं है, और अर्थ का अनर्थ आखिर जनता के बीच क्यों परोसने का काम करते हैं? यदि इन्हें अर्थ नहीं पता है या शब्दों का ज्ञान इन्हें नहीं पता है, जानकारी का अभाव है, तो अनर्गल बयानबाजी क्यों देते हैं, क्यों भ्रमित करते हैं लोगों को,
क्यों जातिवाद के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो भी भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम का इस्तेमाल करके, पवित्र ग्रंथों का नाम लेकर के, पवित्र ग्रंथों के नाम को इस्तेमाल करके। देश ये स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। यह मर्यादित बयान नहीं आने चाहिए। और जिस तरह से यह मर्यादित बयान दे रहे हैं, पार्टी में शीर्ष जो लोग बैठे क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है। क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो बयान दिया जा रहा है ये गलत है, और जो बयान बहादुर हैं उन पर लगाम क्यों नहीं? चर्चा की शुरुआत करेंगे, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं राघवेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विजय खेरा जी, खेरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं आरबी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और हिंदू महासभा की तरफ से शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले रुख करेंगे दुबे जी आपका, राघवेंद्र दुबे जी, क्योंकि बयान इस बार आपकी पार्टी की तरफ से आया है, आपकी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने क्या इस बयान को संज्ञान में लिया, और इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, सब दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके का बयान नहीं करना चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि बीजेपी को पोषण दे रहे हैं तो कौन लोग दे रहे हैं? यही लोग दे रहे हैं। जब चर्चा हो गरीबी की, महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की जो दुश्मनियां, उनकी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि क्या सरकार ने किया और क्या नहीं किया, उसको बार बार रामचरित मानस बात करना और उनको प्रतिबंधित करने की बात करना। ऐसा कोई होगा नहीं, भारत का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने रामचरित मानस ना पढ़ी हो। और जो मैं तो कह रहा हूँ कि जो अशिक्षित लोग भी हैं वो भी रामचरित मानस पढ़ते हैं। रामचरित मानस में मानता हूँ कि रामचरित मानस जोड़ने का ग्रंथ है, सद्भाव का ग्रंथ है। कहीं भी इसे तो किसी भी तरीके की जो लोग कहते हैं, क्योंकि तो आप अगर आ गए अधूरे तरीके से, आवाज आ रही है जी? बोलिए राघवेंद्र दुबे जी, बोलिए। हाँ, अगर आप पूरी जानकारी बिना जानकारी अगर कोई बात, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कोई अगर किसी को पर्चा देते हुए ये कह दे कि तो आपने ये आप ही के नेता बोल रहे हैं भाई, बीजेपी के नेता थोड़े ना बोल रहे हैं, कांग्रेस के थोड़े ना बोल रहे हैं, आप ही के नेता की तरफ से बयान आया है। और अगर उन्हें अल्प ज्ञान है तो पार्टी उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं रही है, उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की अनर्गल बातें क्यों हो रही है, क्योंकि इस तरीके की बात करने से आप सब साबित करना चाहते हैं और किस तरीके की परिभाषा देना चाहते हैं, आपको पता है क्या? अभी बहुत सारे पिछले में विवाद हुआ, जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बात की, उन्होंने आधी अधूरी चौपाई कह दी, उन्होंने आधी अदान जाति में विद्या पाए जता आई दूध पिला, इस तरीके की बात कह दी, पूरा प्रसंग नहीं कहा उन्होंने। पूरा प्रसंग नहीं कहते तो उसका अर्थ निकलता कि काकभूषण जी गरुड़ जी को जो कथा सुना रहे हैं उससे संदर्भ था, दूसरी कहानी पर दूसरी जोड़ दी, दूसरी चौपाई जोड़ दी, ढोल कमार सुत पसनारी सकल तालना के अधिकारी जहाँ समुद्र कह रहा सुंदर कांड में जो लोग हम लोग अरे वहां मत जाइए भाई, पहले आप अपने नेता को तो संभाल लीजिए। समस्या यहाँ पर है दुबे जी, और बिहार का जो मामला था यही तो सवाल उठ रहा है कि बिहार का मामला भी थमा भी नहीं था, और ये समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी, नेता नहीं कहेंगे दिग्गज नेता कहेंगे, सभी पार्टियों का रस इन्होंने चख लिया है, कोई ऐसी पार्टी नहीं बची होगी जिसका स्वाद न चखा हो। हर दर पर भटक आए हैं, हर दरवाजे पर इन्होंने मत्था टेक दिया है,
और अब आकर के ज्ञान बघाड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की भाषा अगर आप यहाँ पर बैठ करके कह रहे हैं कि गलत है, तो आप लोगों को, आपके कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, उनके घर पर आवास पर अब तक पहुंच जाना चाहिए था, उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए था कि आपने क्या कर दिया। अरे बहुत सारे लोग हैं, उनको आवाज दे रहा है। अरे कहाँ, कोई नहीं पहुंचा भाई, घर खाली है, पूरी जानकारी है। दुबे जी आप भी जानकारी बढ़ाइए और तब तक हम लेते हैं, आप भी जानकारी, तब तक हम और कमेंट ले लेते हैं अन्य लोगों से। आपके पास फोन भी होगा, तब तक पूछिए कि क्या कोई पहुंच रहा है क्या। ठीक है सुशील जी, ठीक ठीक आते हैं आपके पास, आते हैं बीजेपी के पास, बीजेपी से सवाल लेंगे। ठीक है सुशील जी, अब इस तरीके का बयान बहादुर आ रहे हैं भाई, कितना जायज है इस तरीके। अरे आ जाए, रुक रहे, रुकिए भाई, दुबे जी आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं आपके पास। सुशील जी ऐसे बयान आ रहे हैं, ये अज्ञानी लोग, ये आधे अधूरे जो इनको जानकारी है, और फिर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं, गलत संदेश क्यों दे रहे हैं, शांत नहीं हो सकते क्या जी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को स्टैंड लिया करना चाहिए। ये जो पूरा मतलब है उसको मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ जो डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें जो पूरा तथ्य है उसको इनको पढ़े लिखे गवार जो है ये पूर्व मंत्री जी, इनको मालूम ही नहीं है इसका पूरा अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो गवार और शूद्र से तात्पर्य दिया गया, ताड़ना के कई आशय होते हैं, तो ताड़ना का जो मतलब ये कहा गया है कि गवार जो होता है जिसको समझ नहीं होती है, शूद्र जो है उसको समझ जहा नहीं होती है, तो केवल उसको देखना है, और देखने से अभिप्राय यह है कि क्योंकि उसको अकल नहीं है, उसको वाली गैया चराने आपने भेजा तो उसको देखिए वरना दूसरे के खेतों में कहीं ना चली जाए। तो देखने से आशय है, ताड़ना का मतलब यह है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे पशु है उसका भी क्या मतलब है कि पशु है, जैसे उसको छोड़ दिया आपने तो किसी जगह भी चला जाएगा, तो उस पर उसको भी देखने की से मतलब है, उसको साधने की जरूरत है पशु को, वहां उसका मतलब ये है। अब ढोल है, ढोल को बजाने से मतलब ये है, उसमें जब कई बार पीटेंगे ताड़ना से मतलब, तो कई बार पीटने से उसका स्वर अच्छा आएगा, तो वहां पर इससे मतलब है। तो इसी प्रकार से ये नारी है, नारी के लिए क्या मतलब है उसका, नारी सदैव हिंदू सनातन धर्म में पूज्य होती है, और उसको ताड़ने से अभिप्राय वहां पर यह है ताड़ना से कि उसके जब वो छोटी है तो बेटी के रूप में बाप को उसको उसमें और निगाह लगनी चाहिए, कोई उसके साथ बदतमीजी ना कर ले। पति है, पति जब वो बड़ी हो जाती है तो पत्नी के रूप में आती है, तो पति को ये दायित्व सौंपा गया है जब बुढ़ापा था बच्चे को, उसकी रक्षा के ध्येय से उसका ध्यान रखना चाहिए। ताड़ना से अभिप्राय ये है कुल मिला के। लेकिन इनके जैसे जो नेता है जो सस्ती लोकप्रियता के लिए और मंत्री पदों पे रह के इन्होंने बहुत ज्यादा अकूत दौलत जब कमा लेते तो ये बुद्धि इनकी हरण हो जाती है और ये पढ़े लिखे गवार बन जाते हैं। वेदों में हमारे यहाँ जो है जाति व्यवस्था तो थी नहीं, वहां कार के अनुसार समाज को बांटा गया था वर्ण व्यवस्था में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था थी और वर्ण परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण है जी जी, और योगी वर्ण परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इनको अल्पज्ञानियों को समझाए कौन, इसको सतर्क ध्यान देना चाहिए। आ रहे हैं ठीक है सुशील जी, आपके पास आएंगे। और बात आपसे कहूंगा, एक बात और कहूंगा, कल अखिल भारत हिंदू महासभा इस पे प्रदर्शन करेगी इनके खिलाफ, और उत्तर प्रदेश की सरकार को चेताती है हिंदू महासभा कि जिस प्रकार से संसद भवन में नरेश अग्रवाल जो इनके पूर्व मंत्री थे जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सीता भैया पे कहा था, उनके पुत्र को भी अपने मंत्रिमंडल से हटाए, अब हम हिंदुस्तानी में सनातनी जो है वो ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको घेराव करें, आ गई बात आपकी। विजय खेरा जी, जी समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ा ही अभद्र बयान, हम कहेंगे ये इस तरीके के बयान दिया गया है, और अभी एक बड़ी बात कही है शिशिर जी ने, आपके नेता पर भी, हालांकि वो पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता थे, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तब उन्होंने बयान दिया था, और अब उनके प्रति भी आक्रोश जाहिर हो रहा है, कह रहे हैं कल धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए हम इस समय जो व्याख्या कर रहे हैं वो तो व्याख्या कई बरसों बरस हो चुकी है, कई बार ये लोग बोल चुके हैं, उसको गलत समझे हैं, ये
और ये ताड़ना नहीं है, ताड़न शब्द है। ताड़ना ताड़ना जो बोले वो नहीं है, बातचीत में कह भले दें, ताड़न है। ताड़न माने उनका देख रेख करिए आप, उन्होंने बता दिया। खैर वो एक अलग बात है। ये नहीं हो सकता है कि मौर्य ने स्वामी प्रसाद ने पहली बार कभी रामचरित सुनी हो कल परसों या महीना भर पहले। पूरे जीवन में वो रामचरित मानस के बारे में भी जानकारी करते हैं और जानते भी होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि सामाजिक नेता बने हुए हैं अपने समाज के भी और वैसे भी। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ ये पहली बार नहीं है। इसका मतलब कोई सोची समझी साजिश इसके दिमाग में आई है। ये पहली बार नहीं, ये साजिशें करने में मशहूर है ये आदमी, और इसने फिर से वही साजिश रची है। ये समाज को बांटना चाहता है। इसने यहाँ ये यही नहीं बोला खाली कि ग्रंथ को इसको प्रतिबंधित करो, इसके आगे भी बोला कि ब्रिटिश राज में दलित ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। तो इसको कोई ज्ञान नहीं है या जानबूझ के साजिश कर रहा है। अब बताइए, क्या भगवान राम ने कीवट को अपने सगे भाई के बराबर नहीं माना था क्या? पढ़ाओ इसको, कीवट जी को उन्होंने कहा था कि ये मेरे सगे भाई भरत समान है। अब ये समझिए, उसके बाद क्या उन्होंने झूठे बेर नहीं खाए थे शबरी के? ठीक बात। तो कैसे कह सकता है महात्मा गांधी, जब भी परिकल्पना की उन्होंने राम राज की परिकल्पना की है, और समाज को और राष्ट्र को अगर एक रखना है तो सिर्फ राम राज ही है जो सबको सुखी कर सकता है और आखिरी आदमी के आंसू पहुंच सकता है। इसीलिए राम राज की कल्पना की है कि चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, तो सबको एक रखने के सारे सूत्र अगर बहस करने बैठ जाए तो अभी सब पे बता देंगे एक एक बात को, कैसे परिवार रहना चाहिए। भगवान राम ने खुद करके दिखाया है, मतलब ये नहीं कि बाकी तो लोग, ये है कि लोग उपदेश दें या शिक्षा दें, वो तो एक वही जो महात्मा गांधी कहते थे, माई डीड्स आर माई प्रीचेस, जो मैं अपने जीवन में उतारता हूँ वही मेरे उपदेश है। ये सिर्फ भगवान राम या उसके बाद महात्मा गांधी उनके शिष्य, ये दो ही लोग ही आज तक कह पाए हैं। अब इतनी मतलब मेरे समझ नहीं आया इसके आदमी के मन में साजिश क्या है। ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, ये तो अगर इसने ऐसा कुरान सरकार आपकी है, देखिए इस पर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार है तो संज्ञान आप लेंगे। तो हम सरकार किसी की भी हो, संज्ञान उसे लेना ही पड़ेगा। आप पूरे हिंदुस्तान की भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी, ये भी आपने कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है, और जेल जाने की आपने बात कही है, ये भी अब देखने वाला बड़ा दिलचस्प नजारा होगा आने वाले समय में कि कार्यवाही क्या होती है। आरबी उपाध्याय जी, हम आपसे आपके पास आए, लेकिन उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। यानी शिव कास्ट बैकवर्ड क्लास शिव टाइप्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकार, ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए, लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये था बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। इतने ज्ञानी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, मुझे लगता है कि फिर से प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी भाषा में शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला साधारण अर्थ, दूसरा विशेष अर्थ, और तीसरा जो अर्थ होता है उसे भावार्थ कहते हैं, वह अर्थ जिसमें भाव छिपा हो। संत तुलसीदास जी ने जो लिखा वह पूर्णतः सत्य है, केवल समझने का फेर है। वो कहते हैं ना कि उर्दू भाषा में नुक्ते का फेर खुदा को जुदा कर देता है। लोग अपना स्तर नहीं सुधारते और किसी के लिखी हुई पद्य या गद्य पर टिप्पणी करने चले आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह इल्म नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है क्या कि यदि
ऐसा होता उनके कथनानुसार तो ब्राह्मण था रावण। ब्राह्मण रावण को तुलसीदास ने अपनी रामायण में राम से क्यों मरवाया? और आपके कथनानुसार तो रावण की भी पूजा होनी चाहिए थी। क्या बात की भाई, या कम से कम मारा नहीं जाता, कुछ तो होता। और इस क्रांतिकारी और सुधारवादी साहित्यिक आंदोलन में कुछ भी महान आपको नजर क्यों नहीं आता? समस्या यह आ रही है, केवल कमी ही कमी। अभी इसके पहले विजय खैरा जी ने भी जिक्र किया, राम केवट से गले मिलते हैं, गिद्ध का पिता के समान श्राद्ध करते हैं, कोल भील किरात आदिवासी वनवासी गिरिवासी के साथ बरसों रहते हैं, यह सब नजर क्यों नहीं आता? आपने डोम टोली मुसहरों मुहारों के साथ क्या भाईचारा निभाया है? आपने अपने अब जिस जाति का आप जिक्र करते हैं, पिछड़े का अति पिछड़ों का आपने क्या किया उनके साथ, आप बताएंगे? तुलसी को सुधारने के पहले खुद अपने आप को क्या सुधारा वो आप नहीं बता पाएंगे? और कहते हैं ना कि चींटी छिद्रावेंसी होती है, छिद्रावेंसी होती है, वो सोने के घर में भी छेद ही खोजेगी। अगर उसके कोई सोना हो, कोई आभूषण हो उसके ऊपर, चींटी को छोड़ दीजिए आप, तो वो छेद ही खोजेगी कि कहां छेद है, वहां पर घुसना है। और मक्खी परम सुंदरी के पास जाकर भी व्रण ही खोजती है, यानी घाव ही खोजती है। उन्हीं में से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये आते हैं। अभी उपाध्याय जी गलत कह रहे हैं क्या हम? देखिए योगेश पांडे जी, बड़ी सही व्याख्या आपने की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं रामचरितमानस से ही शुरू करूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भाव ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन क्योंकि चुनाव है, क्योंकि साथ में पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है और एक वोट बैंक है, MY का फॉर्मूला है, उसमें दलित को शामिल करना है, M हो गया, Y हो गया, प्लस D और कैसे जुड़े, उसके लिए इस तरह के बयान कोई अनर्गल बयान नहीं होते हैं, सोची समझी राजनीति के तहत इस तरह के बयान आते हैं। और जब जाति की बात करते हैं, व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हरिजन महिला जब बच्चा पैदा होता था उसके मुंह में उंगली डालती थी, उसका नार काटती थी, तो वहां छुआछूत का तो कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, यानी वो व्यवस्था। और तुलसीदास की बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि की भी बात की जाए, वाल्मीकि रामायण की भी बात की जाए, महर्षि वाल्मीकि भी एक विशेष, अगर मैं कहूं वर्ग से या वर्ण से या जाति, जो भी आप कहते हैं, तो हम सब उनको नतमस्तक होते हैं, उनको महर्षि बोलते हैं। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बस आप कौन से चश्मे से देखना चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमूरत देखी तिन तैसी। तो भावना ही इन सब चीजों में है ना, और भाव जहां है वो भी अगर राजनीति से प्रेरित है तो फिर अच्छाई कहां से नजर आई? ठीक बात। उन्हें रामचरितमानस में जो शब्द है, शब्द की अपनी व्याख्या होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने गीता के भाष्य, गीता को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। एक एक श्लोक के कई कई परिभाषाएं अपने अपने तरीके से दी। स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये राजनीति पता नहीं क्या क्या कराती है। वो ढूंढ रहे हैं दलित वोट बैंक को, साधने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ली? अब की बार तो MLC बन गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता क्या आर्मी उपाध्याय जी, ये भी तो उन्हें पता होना चाहिए, जिस वोट बैंक को वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, उनके घर में भी रामायण को पढ़ा जाता है, पूजा जाता है। देखिए सभी भगवान राम जितने भी सनातनी हैं सबके आराध्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से कोई भगवान राम की पूजा नहीं छोड़ देगा, बिल्कुल, कोई
अपने इष्ट को त्याग नहीं देगा। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है, ये सब 2024 के चुनाव की तैयारी। सीधा सा आपका यही कहना है कि ये 2024 की तैयारी है और राजनीति में वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं। उपाध्याय जी आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सभी मेहमानों से जुड़ेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। होनी भी नहीं चाहिए, मिलनी भी नहीं चाहिए। दरअसल हम चीजों को समझते हैं और उसके शब्दों के आधार पर हम भाव नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए पहले के ये सारे शास्त्र गुरु परंपरा से ही पढ़ाए जाते थे, वरना आप क्या का क्या अर्थ निकाल लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो चौपाई पढ़ी कि पूज्य ही विप्र ज्ञान गुणहीना शूद्र न गुड़ घन वेद प्रवीणा, उनको शायद पता नहीं है कि यहां पर विप्र का अर्थ आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, जिसको आत्मा का बोध हो चुका हो, जो शरीर बोध से ऊपर उठ चुका हो। ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी रूप से मूर्ख जड़ सब गुणों से हीन भी दिखाई दे तो उसे पूजना चाहिए। जैसे हमारे यहां अच्छे अच्छे संतों में कुछ ऐसे भी हुए जो बाहरी रूप से विचित्र और जड़ मालूम पड़ते थे। शूद्र वेद प्रवीणा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबें पढ़ के प्रवचन बांचता रहता है लेकिन उसका मर्म नहीं समझ पाता है, उसका उसको अनुभव ज्ञान नहीं, फिर भी वो उसका दम में भरता रहता है और पांडित्य दिखाता रहता है अपने आप को कि हम प्रवचन करते हैं। कबीर जी ने भी कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को पढ़ा देना दुबे जी और उनको बता देना, उनको पुस्तक लेके जाइएगा आप। कबीर जी ने नहीं कहा क्या, मैं कहता आखन देखी तू कहता कागज की लेखी, कि मैं तो अपने अनुभव से बोलता हूं तू सिर्फ किताबों का लिखा बाँचता है। वही बात यहां रामायण पर भी वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था पहले जो थी वो अलग थी, वर्ण का अर्थ होता है रंग और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि देखा इनका रंग, वो रंग कलर के लिए नहीं कहते हम लोग, मतलब देखा इनका भाव। रंग का मतलब होता है फितरत। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो भाव आधारित थी और बहुत से उदाहरण हैं जहां एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग गए भी हैं। विश्वामित्र को ले लीजिए, शूद्र ऋषि को ले लीजिए। तो इसलिए गलत अर्थ निकालिए, गलत शब्द पकड़िए, बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण। दुबे जी उम्मीद है कि आप जाकर के अपने नेताजी को समझाएंगे क्या सब। हेलो जी, बोलिए दुबे जी। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि इस तरीके से ध्यान नहीं आना चाहिए, जिस तरीके से एक होड़सी मची हुई है सभी लोग उसमें कूदना चाहते हैं। रामचरितमानस यहाँ हर घर में गाई जाती है, हर लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बहुत सारी चौपाइयां जानते हैं। भाई ये मत बताइए, देखिए पढ़ी जाती है, ये हम भी जानते हैं पढ़ी जाती है, सब पूरा पैनल बैठा हुआ है, सब लोग जानते हैं पढ़ी जाती है, पूजी जाती है, सब कुछ है। ऐसे अब शब्दों का प्रयोग आपके नेता ने किया कैसे? और दूसरी बात, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी जी, ये कह रहे हैं कि हम कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर आप और आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, आप ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया तो आप अब तक शांत क्यों बैठे थे या क्यों बैठे हैं? आपने अपने नेता से आवाज क्यों नहीं लगाई कि बाहर कर निकालिए, बाहर का रास्ता दिखाइए? यही दिक्कत है, पहले सुनते लीजिए आप। हाँ, हम कुछ कह नहीं पा रहे, आप ही अगर कहना तो फिर मैं बेकार बैठा ला यहाँ पे। नहीं बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने कहा उन्होंने जो बयान दिया गलत दिया, किसी में जो कहे जो हिंदू महासभा वाले हैं क्या उसको निषाद को निकालने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया? जो मंत्री है बीजेपी में जिन्होंने कहा कि खीर खाने से कई पुत्र होते हैं, राम दशरथ के पुत्र ही नहीं कहा उन्होंने, धरना चलेंगे उनके खिलाफ, हटवाया था उनको उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी से कहा कि सीता जी स्टैच्यू बेबी है तो उनके खिलाफ धरना करेंगे। योगी जी ने कहा हनुमान जी की जाति बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है? फिर ये लोग करेंगे धरना, हमने तो कहा था हमारी हिम्मत हो, हम कह रहे हैं
इन लोगों ने हिम्मत नहीं है जो कह देते हैं हम मानते हैं करिए रामचरित मानस और जो बैठे हैं लोग मुझे लगता है कि उनसे कहीं ज्यादा मैंने रामचरित मानस पढ़ी होगी। मुझे पता है कि रामचरित मानस जो होता है मुझे पता है कि जिसमें पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष के वनवास को जाते हैं जब भाई का प्रेम दिखाया गया जब राम राज दिखाया गया कि सन्न करें परस्पर प्रीति करें स्वधर्म निरक्ष तुम्हें भी नहीं डरे जो कोई दुखी न दीना नहीं डरे जो कोई दुखी न दीना नहीं कोई अवोध न लक्षण हीना तो ये राम राज्य था जहां की सब लोग परस्पर प्रीति करते थे यहाँ पर कोई इस तरीके की कोई बात नहीं और तुलसीदास ने तो संतोष मिले भी लिख दिया जनके सर और नखा जनके नख और जटा विशाला तेई का लता तेई प्रसिद्ध तापस का निकाला उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनके नख बड़े हों जिनकी जटा विशाल हो वो कलयुग में बहुत बड़े तपस्वी कहलाएंगे। उन्होंने हर किसी ने कहा ब्राह्मण के लिए कहा ब्राह्मण वही जो गाल बजावा पंडित वही जो गाल बजावा बहुत सारी कही और उन्होंने यहाँ तक का रावण के लिए भी कहा रावण भी ब्राह्मण था अगर वो कहीं ब्राह्मण को मानने वाले होते तो जब रावण सीता हरण करने जाता तो रावण के लिए सब स्वाम की चिताई इतर वो तो स्वाम की नहीं मतलब कुत्ते की तरह वो इधर उधर देख रहा है इससे ज्यादा और क्या शब्द यूज करेंगे वो। राघवेंद्र जी आप क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं आप क्योंकि आपकी आवाज बहुत गूंज रही है आप केवल इतना बता दीजिए आप तुलसीदास जी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं उनकी कोई चौपाई को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं आपने सुना नहीं हाँ आवाज आ रही मेरी कि नहीं आपकी आवाज बड़ी फट रही है क्लियर नहीं आ रही एक सेकंड मैं अभी आवाज आ रही है हाँ बोलिए मैंने ये कहा कि जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखी है वो समाज को जोड़ने की बात की है हाँ। उसमें चाहे भाई का प्रेम हो या पिता की आज्ञा का पालन हो कि 14 वर्ष के वनवास को चले जाते हैं भगवान राम जब केवट के पास जाते हैं मांगी नाव न केवट आना चाहू तुम्हार मर्म में जाना अगर राम जी का कोई खौफ होता तो वो जानता है कि वो राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार वहां आ जाते यही बात समझाइए राघवेंद्र जी अपने नेताओं को यही बात समझाइए। एक ही बार मैं कह रहा था सम्मान निषाधु जब उन्होंने वापस भेजा निषाद राज को विदासीन सम्मान निषाधु उनका भी सम्मान किया और जब राम राज्य की जहाँ बात आई तो सब नर करें परस्पर प्रीति चलाए स्वधर्म निरत श्रुत नीति ये राम राज्य की बात हो रही थी और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना कितनी चौपाइयों का आप उदाहरण दे रहे हैं राघवेंद्र जी और आपके नेता हैं जो कि अपने आप को धुरंधर मानते हैं अपने आप को तीरंदाज मानते हैं और हर किसी ऐसे बयान का विरोध करता हूँ और ये निंदनीय है कि राघवेंद्र जी मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप खुद जाइए आपके साथ कोई जाए या ना जाए लेकिन आप जाइए उनके आवाज पर उनको समझाइए उनको सद्बुद्धि दिखाइए सद्मार्ग दिखाइए। नहीं वो तो सबके लिए मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी धर्म ग्रंथ है किसी भी धर्म से है हमें किसी पे उंगली उठाने का और धर्म ग्रंथ तर्क का चलिए ठीक है मानने का विषय है ठीक है उम्मीद है राघवेंद्र जी आप उनके पास जाएंगे नहीं जाएंगे तो कम से कम फोन पर उनसे चर्चा करिए और नहीं तो आप लोग कम से कम अपने नेता से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कहिए कि साहब ये क्या हो रहा है आने वाले दिनों में दुर्गति हो जाएगी कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप अगर देखेंगे ठीक है आ रहे हैं आपके पास आएंगे आपके सवालों का जवाब ले विजय जी से ये तो बीजेपी वाले हैं जो लिख नहीं सकते हैं ले लेते हैं विजय जी से ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं विजय जी देखिए कितने सारे सवाल खड़े कर दिए राघवेंद्र जी ने कि भाई हमने तो ऐसा कर दिया हम तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है गलत हो रहा है स्वीकार रहे हैं कह रहे हैं कि हम जाएंगे हम उम्मीद भी करते हैं कि पार्टी कार्रवाई करेगी लेकिन आप की पार्टी में तमाम लोग ऐसे भरे हुए हैं जिन्होंने आप शब्दों का प्रयोग किया आपत्तिजनक बयान दिए विजय जी आवाज आ रही है चलिए विजय खेरा जी का शायद संपर्क नहीं हो पा रहा जुड़े हुए हैं शायद नेटवर्क इशू हो रहा है आएंगे लेकिन उससे पहले हम एक जवाब ले लेते हैं कमेंट ले लेते हैं शिशिर जी का शिशिर जी देखिए राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया वो कह रहे हैं गलत है और भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे विवादित बयान दिए हैं
आपने उनके लिए तो कभी नहीं आवाज उठाई है, आपने उनके लिए तो कभी नहीं धरना प्रदर्शन किया है। देखिए आप, इन्होंने सुना नहीं, मैंने शुरू में नरेश अग्रवाल पे भी उंगली उठाई थी, शुरुआत में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग वक्त वक्त पे अपनी चाल को बदलते हैं, इनकी पूरी राम जी के पूछते हुए भारतीय जनता पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में रहते हुए ये क्या कहते हैं, कहते हैसियत मिटा दूंगा भारतीय जनता पार्टी का। ये इन्होंने कहा था जब लोग विधानसभा चुनाव था, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, पहले खुद को देखे, कभी ये मौर्य बन जाते हैं, कभी ये वो उनका बुलडोजर आज कहाँ है, क्या कर रहा है उनका बुलडोजर, कहाँ सो रहा है, इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की, जिन्होंने बसपा में भी लूट बचाई, भाजपा में रहकर लूट बचाई, समाजवादी में लूट बचाई, ऐसे लोगों की संपत्तियों की जांच करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मानसिक दिवालियापन हो गया इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लगातार हिंदू धार्मिक ग्रंथों का, हिंदू ईश्वरों का जो पूरे देश में जिस प्रकार से चित्रण किया जाता है, वो ऐसे लोगों पे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे बहुत से मुंह भर ये जो बड़े बड़े बोल बोलने वाले ये लोग बढ़ेंगे, इन पे सख्त सख्त कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार। और सुप्रीम कोर्ट सो जाता है, क्यों क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है, देश के बहुसंख्यकों का अपमान हो रहा है, उनके इष्टों का, धार्मिक ग्रंथों का, क्या देश को जलवाना चाहते हैं? ठीक बात, चलिए ठीक है, ले लेते हैं जवाब सुशील जी, ले लेते हैं जवाब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं विजय जी। विजय जी देखिए, राघवेंद्र जी ने आपके नेताओं पर भी आरोप लगाया कि कई ऐसे नेता हैं जो अपशब्दों का प्रयोग किए हैं और भगवान को लेकर, इष्ट को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही कब की जाएगी करेगी? शिशिर जी कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, ऐसे तो बुलडोजर चला जाता है। अब ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति तक का जिक्र कर दिया शिशिर जी ने, तो भ्रष्टाचारी के साथ कहा उनकी संपत्ति की जाँच हो और उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले। ये तो सब नियम कानून का ही होगा, जबरदस्ती नहीं चलाया जाता किसी के ऊपर, ये गलत फहमी है लोगों को। कभी कभी लोग फैलाते हैं ब्रांच किया, जब पकड़े जाते हैं तो बुलडोजर भी चलता है, अपराधियों पर भी बुलडोजर चलता है, उसका कोई उसका कभी अरे आप बात सुन लीजिए, आएंगे रिमांड आप बाद में बोल दीजिएगा, बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो अगर बुलडोजर की आवश्यकता होगी तो बुलडोजर भी चलेगा, जेल की आवश्यकता होगी तो जेल भी आएगा, तो कानून सम्मत काम होगा ना। तो योगी राज में जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, जब पकड़े जाते हैं पूरी उसकी जांच हो जाती है, जब कुछ मिल जाएगा तो वो तो हो गई होगा। लेकिन आज की इतनी बहस में दो बातें बड़ी अच्छी हुई, योगेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कौन कहाँ बैठा है, कौन किसका है, पर योगेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो विप्र था फिर मारा गया, तो अब फिर वो क्या सवाल आया, अगर बिल्कुल ब्राह्मण का यहाँ क्या सवाल आ गया, जब उसको हम राक्षस कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने आज तक ऐतराज किया है, मुझे बताइए जरा, वही तो पूजा सिखाते हैं, वही हमें रामायण पढ़ना सिखाया, उन्होंने गुरुकुल सिखाया ब्राह्मणों ने ही, इसलिए वो पूज्य समझे जाते थे। आज अगर जो ब्राह्मण नहीं पूज्य समझा जा रहा है, इनको क्या पता कि ऋषि विश्रवा का के पुत्र थे रावण, इतनी ऋषि थे और रावण राक्षस हुआ, उसके 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 बाद उपाध्याय जी ने भी एक बात का आज बड़ा बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि राजनीति पता नहीं क्या क्या ना करवा दे, और ये किसी न किसी ध्येय और सोच समझ के पीछे ये हरकत की गई है। समाज को बांटने का काम तो हमेशा ही होता रहा इन लोगों से, क्योंकि चाहते हैं बटे और वोट मिले। तो MY फैक्टर जो फेल हो चुका था, यहाँ तक कि वो रामपुर तक में भी फेल हो गया, आजमगढ़ में भी फोल हो गया, तो अब नई जगह की तलाश थी, आजमगढ़ का क्षेत्र इनसे जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है इनको समाजवादी पार्टी ने इस काम पे लगाया हो, इस काम को ये करें, क्योंकि ये आदमी तो सड़क छाप है, इधर उधर इसकी कोई ना अपनी कोई इज्जत है ना कहीं कोई प्रतिष्ठा है। ठीक है, चुनाव उनाव किसी गणित से जीत गए थे हार भी गए, तो उन्होंने हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को तुरंत बोलना चाहिए कि ये गलत है, या तो उसमें वो शामिल है राजनीतिक रूप से, ये एक गुप्त रूप से एक
कोई उन्होंने डिवाइस निकाली है, एक तरीका निकाला है कि इनको दौड़ा दो, उसको डिवाइड करने की बात करो, लेकिन ये होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि समाज की दृष्टि से कोई राम को नहीं पूछता है। आदर्श राम के आदर्श व्यक्तित्व को लोग पूछते हैं, चाहे वो किसी के हो, अभी चाहे वो क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, कभी और किसी देश के लोग भी हो सकते हैं। इस तरह से गांधी जी पूरे विश्व में सर्वमान्य है, इसी तरह भगवान राम की जो उन्होंने हमको खुद करके दिखा के बताया कैसे राज चलाना चाहिए, कैसे समाज की व्यवस्था होना चाहिए, क्या परिवार की व्यवस्थाएं होना चाहिए, कैसे भाई भाई, ये सारी की सारी बातें खुद अपने जीवन पर उतार के जो सिखाई है, तो पूरे विश्व के लिए संदेश है। और इसीलिए हम लोग रामराज की कल्पना करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम रामराज लाएं, किसी तरीके से उस व्यवस्था को वापस करें। अब जो सैकड़ों साल से बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है 300-400-500 साल से, वो कोई 2-4, 10-20-25 साल में सुधरने वाली नहीं है। कुल सुधार लाने के रामराज के लिए वक्त। चलिए एक बहुत सीधा सा सवाल, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी फिर कि सीधा सा सवाल ये है आपसे विजय जी कि देखिए अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, हालांकि दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे जी, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पर संज्ञान लेगी और जो भी होगा उस पर आगे कदम उठाया जाएगा। ये तो समाजवादी पार्टी का पक्ष होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। अब बात आती है आपकी, यदि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सरकार बैठी हुई है क्योंकि सरकार पर लोगों का बड़ा विश्वास है, खासतौर पर बाबा पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, काफी कुछ लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के भी खासतौर पर उनका चेहरा माना जाता है, लेकिन धर्म ग्रंथ को लेकर के जिस तरीके से अमर्यादित बयान, आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, इस पर क्या सरकार कोई कदम उठाएगी क्या? बहुत सीधा सवाल। बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उठाए ना उठाए, सरकार अपने कर्तव्य को निभाएगी, कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती है। आपने देखा होगा जरा जरा सी बात कुरान के ऊपर लोग गले उतारने की बात करने लगते हैं, ये आप जरा देखिएगा नहीं सही। चलिए ठीक है, आगे आपका जवाब, सरकार कदम उठाएगी और ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने कर्मों से विमुख ना हो, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, उनकी आहत, उनके देश को आहत पहुंचाए। अब देखिए एक बात और है जो मैं कह रहा था वो बीच में रह गई, मैं ये कहना चाह रहा था अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि चूंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज, तो उसके धर्म का निरादर किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, ये नहीं हो पाएगा। अब जो पहले कभी कभी होता रहा है माइनॉरिटी को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के साथ जाति की गई है, वो तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब दिख जाएगा, अब ये दिख जाएगा विजय जी, दिख जाएगा, केवल धरना प्रदर्शन के उसमें न रह जाए ये पूरा मामला, कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। आरबी उपाध्याय जी, देखिए विजय जी कह तो रहे हैं कि कार्रवाई होगी, सरकार संज्ञान लेगी मामले का, मुझे लगता है अब तक ले लेना चाहिए था, कोई बयान दे करके ऐसे निकल कैसे जाएगा भाई? अगर कोई अपराधी है तो वो अपराध करके निकल कैसे जाए, वो ज्यादा दूरी तय ना कर पाए कि प्रशासन उसे धर दबोच ले, उसे भागने का मौका दिया ही ना जाए। खैरा जी कह जरूर रहे हाँ, लेकिन होगा क्या हाँ, सबकी नजर इस पर रहेगी। एक टीवी चैनल पर बोल देना कि भाई कार्रवाई होगी और कार्रवाई होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाना पड़ेगा जिस वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण को और तुलसीदास को टारगेट कर रहे हैं। तुलसीदास जी तो वो संत हैं कि रामचरित मानस में जिस ब्राह्मण से घृणा कर रहे हैं या उसे हंसी का पात्र बना रहे हैं या वो कह रहे हैं वो गंवार है तब भी उसकी पूजा होगी, उनको शायद नहीं पता कि देखिए रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, उसके बाप भी तुलसीदास जी ने उसको राक्षस लिखा है। राक्षस भी ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वो तो अज्ञानी नहीं है, उसके बावजूद भी रामचरितमानस में राक्षस लिखा गया। उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सभी वर्णों के साथ और जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी धरोहर थी, उन सबको समेटते हुए कहीं ना कहीं एक आदर्श स्थापित किया है। और भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाएं उन्होंने निभाई, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे कुछ सीख सकते हैं या निभा सकते हैं या उस बारे में सोच सकते हैं?
बिल्कुल संभव नहीं है। रहा कार्रवाई की, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई होगी होगी थी। चलिए, विजय जी ने कही ये कार्रवाई, आप कह रहे हैं कि नहीं होगी, उम्मीद है कि अगर नहीं भी होगी तो विजय जी इस बात को पहुंचाएंगे। प्रवक्ता है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बिल्कुल हो। मुझे विजय जी के ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो पहुंचाएंगे इस बात को और कार्रवाई करने की बात करवाएंगे, अपील करेंगे। ये बात अब निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। और एक दर्शकों को यह भी बता दें, क्योंकि और भ्रांति एक अभी शुरुआती दौर में चर्चा में भी बात निकल करके आई कि एक चौपाई और आधी अधूरी पढ़ के पढ़ाई जाती है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आधी अधूरी चौपाई बताई जाती है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका भी मतलब क्या है वो सही मायने में सबको पता होना चाहिए, गलत अर्थ नहीं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी और स्त्री, नारी का जो शब्द यहां है स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ लोग इस चौपाई का अपने बुद्धि और अधिज्ञान के कारण विपरीत अर्थ निकालकर तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आक्षेप लगाते हुए अक्सर दिख जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सामान्य समझ की बात की है कि अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी समान क्यों बताया। और तो और तुलसीदास जी ने तो यह भी कहा कि मूल तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। मतलब भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहते हैं कि दुष्ट बाली, तुम अज्ञानी पुरुष तो हो ही, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात भी नहीं मानी और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है तो अपने अभिमान को त्याग कर उसे सुनना चाहिए, क्या पता उससे आपका क्या फायदा हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सारी बातें समझाने की जरूरत है, स्वामी प्रसाद मौर्य को ही नहीं, उनके जैसे तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे राक्षसों को, बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे लोगों को। एक बात अंतिम में कहना चाहूंगा मैं, स्वामी इनका माँ बाप ने नाम रखा, अपने को समझने लगे स्वयं स्वामी। नहीं नहीं, इसलिए कोई स्वामी नहीं समझ सकता, कोई स्वामी नहीं समझ सकता, कोई स्वामी नहीं समझ सकता। और उम्मीद है राघवेंद्र दुबे जी आप जो है ऐसे स्वामियों को समझाने का काम करेंगे। और बिल्कुल मत जाना SC ST का केस। विजय खेरा जी से हमारा निवेदन है और उम्मीद भी है कि इस बात को लेकर के वो अपनी पार्टी में सरकार के सामने रखेंगे और कार्रवाई की बात उन्होंने जिस तरीके से कही है लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने उस पर अमल करेगी सरकार। फिलहाल समय के अभाव के चलते अब चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। राघवेंद्र दुबे जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, विजय खेरा जी और RB उपाध्याय जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमूल्य बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपा के स्वामी इतने अज्ञानी कैसे बन गए, ये बड़ा सवाल है। और कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन्ह तैसी। इसलिए जिसकी जैसी भावना है उसको चीजें वैसी ही दिखाई देंगी। अब सपा को भी इस बात को लेकर के कदम उठाना पड़ेगा और स्वामी पर कार्रवाई करने की बात जो कही जा रही है समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, वो करनी चाहिए। सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।